की बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 71वां दिन आज। गाजीपुर बॉर्डर पर किलेबंदी कर दी गई है, तीनों बॉर्डर्स को पूरी तरीके से कीलों से लाद दिया गया है। 12 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है बॉर्डर्स पर, ताकि कोई भी बॉर्डर के इस पार से उस पार ना जा पाए। पुलिस प्रशासन के अलावा कोई भी बॉर्डर के उस पार से इस पार नहीं जा सकता। वाटर कैनन भी बॉर्डर पर लगाए गए हैं। 8 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हैं बॉर्डर। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है। 71 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किलेबंदी कर दी गई है। बॉर्डर पर पहुंची हरसिमरत कौर बादल। 8 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हैं बॉर्डर। किसानों से मिलने पहुंचा है विपक्षी दल। गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। बॉर्डर पर पहुंची हरसिमरत कौर बादल। ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आज किसान आंदोलन का 71वां दिन है। 8 विपक्षी दलों के नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। किसानों से मुलाकात करने के लिए क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन को राकेश टिकैत ने जिंदा किया, खासतौर माना जा रहा था कि अब गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन खत्म हो जाएगा, उस समय जो है राकेश टिकैत ने जो करके दिखाया, उसके बाद तमाम विपक्ष तमाम नेता जो है वो राकेश टिकैत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लगातार नेताओं का सिलसिला वहां पे जारी है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें। रिसेंटली अकाली दल की बात करें तो हरसिमरत कौर पहुंची उनके साथ, कई अन्य दलों के नेता भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पे जमा है। लगातार कल जिस तरह से जींद में महापंचायत की, उसके बाद राकेश टिकैत को आमंत्रित किया गया, लोगों ने सराहा कि किस तरह राकेश टिकैत जो है वो अगुवाई के लिए आगे निकले और आंदोलन को सही दिशा में ले जा रहे हैं। 5 प्रस्ताव भी पास किए गए, चाहे वो एमएसपी की बात हो, तीनों कानून वापस लेने की बात हो या किसानों की कर्ज माफी की बात हो। तो जाहिर तौर पर इधर पार्लियामेंट चली है, पार्लियामेंट में भी लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है। लोकसभा की कार्यवाही 2 दिन से नहीं चल पा रही, राज्यसभा लगातार स्थगित होकर चल रही है। तो अब विपक्ष जो है हर हाल में किसान आंदोलन को भुनाना चाहता है और यही वजह है जो नेता अब तक किसानों के बीच दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि किसानों ने कहा था उनका मंच कोई यूज नहीं करेगा। हालांकि रिसेंटली भी किसान वही बात कह रहे हैं कि उनका मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मंच के नीचे तमाम नेताओं के साथ बाकायदा बातचीत होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक रूम बनाया गया है जिसमें मीडिया के सामने तमाम जो नेता आते हैं वो रूबरू होते हैं। तो जो विपक्ष की मुहिम है कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के साथ अब पूर्णतया खड़ी दिख रही है। बिल्कुल अमित, तो सही कहा आपने, जिस तरीके से विपक्ष का समर्थन मिल रहा है कि इस किसानों को आंदोलन को लेकर के, उससे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है। और आंदोलन में जिस तरीके से महापंचायतें भी लगातार की जा रही हैं, राकेश टिकैत जी ने साफ कर दिया कि हर जगह महापंचायतें की जाएंगी, वहां पर भी बढ़ चढ़कर किसान हिस्सा ले रहे हैं। 27 जनवरी के बाद जिन इलाकों में भीड़ कम हो गई थी, चाहे गाजीपुर की बात करें, बिल्कुल बॉर्डर की बात करें, वहां लगातार भीड़ बढ़ रही है और जिस स्थिति में किसान आंदोलन पहले चल रहा था उससे अच्छी स्थिति में दिख रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी बड़ी चीज की तमाम, क्या प्रियंका गांधी की बात करें, आज रामपुर में जो किसान नेता के जो कि जिस किसान की मृत्यु हुई थी उसके घर जा रहे हैं और कांग्रेस लगातार राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी बात करें संजय सिंह लगातार डिफेंड करें। तो तमाम दल जो है वो हर हाल में पार्लियामेंट अंदर की बात हो या पार्लियामेंट बाहर की बात हो, सरकार भले से राजनीतिक दिशा देने की बात कर रही हो लेकिन विपक्ष एक सुर में बोल रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर सही कानून नहीं पारित होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है और उस चर्चा कराने की भी जिम्मेदारी उनकी है। और यही वजह है कि लोकसभा राज्यसभा में वे हंगामा कर रहे हैं। और जहां तक संसद भवन के बाहर की बात है तो किसानों के साथ पूरा विपक्ष खड़ा हुआ है, एक सुर में लगातार इस तरह की चीजें निकल के आ रही है। और जिस तरह से अब किसान नेताओं ने राजनीतिक पार्टियों से मिलना स्टार्ट किया है, इससे राजनीतिक पार्टियों के भी हौसले बुलंद है कि कम से कम वहां जाके किसानों से मिल सकते हैं, मीडिया के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं, भले ही मंच ताजा ना हो लेकिन कई सारी चीजें जो है वो इस तरह की दिखाई देती है। बिल्कुल अमित, तो लेकिन जिस तरीके से
गाजीपुर बॉर्डर पर और कई बॉर्डर्स पर किलेबंदी करी गई है, जिस तरीके से लगत कीले लगा दी गई हैं, 12 लेयर्स की बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं, उसको लेकर के किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए सबसे बड़ी चीज अब जो है, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, जो जिस तरह कटीले तार लगाए गए हैं, कीले लगाई गई हैं, उसके बाद तमाम विपक्ष तमाम लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। ये सब कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हाथ में है, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस तरह पिछली बार बैरिकेड तोड़े गए, किसानों रूट बदला और जिस तरह घटना हुई, खासतौर लाल किले, इसलिए दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कोई भी अराजक तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे, जिस वजह से ये सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है। और क्योंकि इसका सरकार लगातार कह रही है इसका उनसे कोई मतलब नहीं है, अगर वो सुरक्षा नहीं करते हैं तो भी सवाल उठते हैं, दिल्ली पुलिस का कहना है सुरक्षा करते हैं तो भी सवाल उठते हैं, तो उन्हें अपना काम करना, उन्हें कानून व्यवस्था को लागू करना, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है 26 जनवरी की हिंसा को लेकर सुनवाई और इंटरफेयर से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उनका सरकार अपने एंगल से जांच करेगी, सरकार के पास पावर है, तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था का जिम्मा जो है वो दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस ने लगातार एक्टिवेट कर रही है, और इसी क्रम में दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि कल खासतौर पर 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को जो किसानों का चक्का जाम की योजना है 12 बजे से 3 बजे तक, उसे लेकर भी दिल्ली, हरियाणा और यूपी तीनों पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पे है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर किसान आंदोलन का जो 71वां दिन है, गाजीपुर बॉर्डर पर किलेबंदी की गई है। संता जनक परिस्थिति है, मला विश्वास बसत नाही की आपण खरच भारतात आहोत का, ज्या भारताच्या मातीचा आम्हाला अभिमान आहे, स्वाभिमान आहे, आणि ज्या शेतकऱ्यामुळे जे मराठी संस्कार, भारतीय संस्कार आमच्यावर झाले, ज्याच्यात आम्ही अन्नदाता सुखी भव म्हणतो, जो अन्नदाता असतो तो सुखी भव राहू दे, तो देव असतो, असे आमच्यावर झालेले संस्कार आहेत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये ज्या रीतीने हे आंदोलन तुम्ही बघताय, इथे कसे बॅरिकेड्स केलेले आहेत, आणि हे मला विश्वास म्हणजे कुठल्या बॉर्डरवर पण अशी परिस्थिती दिसणार नाही। आणि तुम्ही विचार करा, पाण्याची सोय नाही, शौचालयाची सोय नाही, इंटरनेट बंद केलेलं आहे, अशी परिस्थिती असताना ह्या ज्या रीतीने शेतकरी कोण आहेत, हे ही भारताची मुलं आहेत, आणि हे जे पोलीस तुम्ही बघा, खासदारांपेक्षा आम्हाला जणू का आम्ही काहीतरी इथे गडबड करायला आलं अशा परिस्थितीत हे सगळे पोलीस, आणि पोलीस कोण आहेत, ही शेतकऱ्यांचीच मुलं पोलीस आहेत ना। तो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं 8 विपक्षी दलों के नेता, जहां पर आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो किलेबंदी की तस्वीरें हैं, 12 लेयर्स की ये बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं, सीमेंट की दीवारें, कांटे, तारे और कीलें लगा दी गई हैं ताकि कोई भी बॉर्डर से इस पार या उस पार ना जा पाए। और इसके बाद से ही, जब से ये किलेबंदी की गई है, तब से विपक्षी दल भी हावी हो गया और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। लेकिन अगर हम आंदोलन की बात करते हैं तो लगातार आंदोलन की जो गर्माहट है वो बढ़ती चली जा रही है, जहां एक तरफ महापंचायतों का दौर जा रही है और महापंचायतों में बढ़ चढ़ कर किसान हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेताओं का समर्थन भी किसानों को लगातार मिल रहा है। विपक्ष लगातार किसानों को समर्थन दे रहा है। 8 विपक्षी दल के नेता पहुंचे हैं और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किलेबंदी की, जहां पर बॉर्डर्स पर इस तरीके की सुरक्षा की गई है। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है, किसान लगातार डटे हुए हैं, 71 दिनों से किसानों से मिलने पहुंचा है विपक्षी दल। एक तरफ विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है तो दूसरी तरफ महापंचायतों का दौर जारी है। राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। और हमारे साथ किसान नेता सवित मलिक जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। सवित जी, जिस तरीके से लगातार आंदोलन जारी है, एक तरफ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, दिल्ली में किलेबंदी कर दी गई, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का लगातार समर्थन मिलता चला जा रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे जी, लेकिन शासन ने हमारे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाना शुरू किया जी। रात के अंधेरे में किसानों की बत्तियां काटी गई, लाठियां चलाई गई, निर्दोष किसानों को जेल भेजा गया, तरह तरह के मुकदमे लगाए गए। जब शासन ने बहुत सारा ज्यादा दबाव बना दिया, इसके बाद राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन देना शुरू किया है जी। लेकिन आज भी यही बात है कि उस राजनीतिक दल कोई भी आता है, उनको अपना मंच और माइक नहीं दिया जा रहा है जी। लेकिन समर्थन करने के लिए किसान बनकर कोई भी आ सकता है जी। ये जो भी लोग हैं जी, ये समर्थन देने आ रहे हैं, इन सबका स्वागत है। और आपको ये पता है, देश देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसानों को आंदोलन को समर्थन मिल रहा है जी।
सवित जी, जिस तरीके से बॉर्डर्स पर जो सुरक्षा की गई है, 12 लेयर्स की बैरिकेडिंग जो की गई, उसका लेकर आपका क्या कहना है? हम यही कहेंगे कि ये जो इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ ध्यान दिया है, इसको पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर देना चाहिए। ऐसी तो हमारे सांसद भवन की भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जितनी यहाँ पे इन्होंने कर दी है जी। और आपको एक नई चीज मैं बता दूं, जिस कंपनी को वो ठेका दिया गया है, मुझे लग रहा है वो भी चाइना की कंपनी तो नहीं है, वो कीले अपने आप उखड़ रही है जी। वो खाली जो है इन्होंने पता नहीं कैसा क्या लगाया है, अभी एक वीडियो हमारे पास आया है, उस पर आदमी पैर रखता है, वो कीले अपने आप उखड़ जाती है जी। ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं जी। अभी पहले सड़कें खोदी, वो हमारे टैक्स के पैसे से सड़कें बनी है जी। अब उनमें कीले लगाई जा रही, फिर उनको उखाड़ेंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा? दूसरा, ये एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है किसानों के लिए जी, ताकि आम वहां की पब्लिक जो है वो किसानों के प्रति जो प्यार जता रही है वो ना जताए। जो आधा रास्ता खुला हुआ था जिससे आम ट्रैफिक चलता था, उसको भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपातकालीन वहां पर जाना है, जैसे बीमार लोग हैं, एम्बुलेंस की सुविधा थी, सब थी, किसानों ने कभी नहीं रोकी, उनको जाने देते थे जी। लेकिन सरकार के द्वारा एकदम से बैरियर लगाकर, वेल्डिंग करके और कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है, इससे जो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जानें चली जाएंगी, सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी जी। अगर किसी की जान जाती है तो उसको कहां से वापस लेके आएगी सरकार जी? तो किसान तो अपना आंदोलन शांतिपूर्वक लड़ रहा है, अगर वो दिल्ली जाएगा तो बातचीत करके जाएगा। बिल्कुल सवित जी, आपको मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस वहां से कीले हटा रही है, जो कीले लगाई गई थी, तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर कीले हटवाई जा रही हैं दिल्ली पुलिस के जरिए। ये तो जनता के पैसे की बर्बादी है, इनका मैनेजमेंट जो है वो बहुत खराब है। अगर आज इनकी नीतियां ठीक होती, मैनेजमेंट अच्छा होता, तो किसान दिल्ली के चारों तरफ ना पड़ा हुआ होता। बिल्कुल, अब किसानों ने कह दिया है कि अगर आप ये कीले लगाओगे तो कीलों के साय में वार्ता कैसे होगी जी? अब इनको वार्ता करनी है तो कीलों को हटानी होगी। बिल्कुल सवित जी, जी वार्ता में कांटे भी छाए जाते हैं कि फूल भी छाए जाते हैं। आप एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप हमसे एक फोन कॉल की दूरी पर हो, बिल्कुल, क्या किसान किलो पे चढ़ के आएगा जी? सवित जी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। पहले ही उनकी बसों को रोका गया, तो किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है और लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं बॉर्डर्स पर, जिस तरीके से किलेबंदी की गई, तो कहीं आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा? आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था पार्लियामेंट ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया, यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया, और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि किसानों के चाहे पानी बंद कर दिया गया, चाहे बिजली बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनकी सारी सुविधाएं बंद की जा रही है और उनको एक तरीके से देशद्रोही बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। ये काला इतिहास जो सरकार लिख रही है, इसका उनको खमियाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज मेंबर पार्लियामेंट बड़े चिंतित हुए हैं। अगर उनको यहाँ पर रोका जा सकता है, उनको इस तरीके से फोर्स के साथ डराया जा सकता है, तो इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। सो आज बड़े निराश होकर ये लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं। अब इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना है, मेंबर पार्लियामेंट ने क्या आगे यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, मेरे सहयोगी